हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBT चेला में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सीटेट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर वाले। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरा एक दोस्त खुद कन्फ्यूज़ था, तो इसलिए स्पेशली उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखो भाई, सीधे सीधे यहां पे तुम क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो यूज़ करते हो वो ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आप इस पर जाके सिंपली लिखो CTET.NIC.in, लिख लो CTET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो, या फिर आप सिर्फ CTET लिख लो ना इस पर। यहाँ पे मैंने 2022 वाले पे क्लिक कर दिया, लेकिन आपका CTET का पहला जो ऊपर मिलेगा उसे आप ओपन, उस लिंक पे आप जाओ, ओपन करो, तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। जो कि मेरा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से स्लो चल रहा है। तो ये जो होम पेज खुला है, इसमें आप नीचे जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कहीं ना कहीं। देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखो। नीचे जाने के बाद इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको लिखा हुआ नीचे जाने के बाद आपको इम्पोर्टेंट लिंक जो दिख रहा है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप कौन से ईयर के क्वेश्चन, नीचे जाने के बाद आपको और भी ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहते हो वो आपको ऑप्शन है। तो जैसे कि मैंने किसी भी ईयर का आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। मैं अपना डाउनलोड करना चाहूँगा जो मैंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था, दिसंबर 2021 का, तो उसे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे कौन से डेट पे मेरा एग्ज़ाम था और कौन से पेपर का मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए वो पूछ रहा है। तो मेरा एग्ज़ाम था 7 को, लेकिन इसके अलावा मेरा कोई भी डेट अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इन सारे डेट्स में सीटेट 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, कोई भी डेट मैं सेलेक्ट करूँ, जैसे मान लो मैं 1 जनवरी का सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट पेपर का जो ऑप्शन है उसमें पेपर 1 मैंने सेलेक्ट किया, तो उसके बाद हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी, इन दोनों में से कोई एक होता है जो एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म भरते टाइम पे आप लोग सेलेक्ट करते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक का भी क्वेश्चन पेपर आप जिसका चाहो उसका डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा हिंदी इंग्लिश था, तो मैं वो कर सकता हूँ, या फिर मेरा मन होगा तो इंग्लिश हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर देखने का, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश पे टच किया और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया मेरे पास, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है ऊपर कॉर्नर में, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है, उस पर गए और उस पर जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया। तो अब बस इसको ओपन करना है, तो WPS ऑफिस से मैं इसको ओपन करूँगा और देख लूँगा। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर हमारा, और इस तरह से आप किसी भी ईयर के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना वीडियो को, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।